أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रियान नाम का मतलब और इसकी मजीद तफसीलात क्या है। इस नाम की इब्तदाई तारीख अरबी जुबान से निकलती है। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसकी स्पेलिंग क्या है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजहब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामी नामों में किया जाता है। इस वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि इस नाम का ज्यादातर इस्तेमाल कौन से तीन ममालिक में किया जाता है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का शुमार लड़कों के नामों में किया जाता है। आगे चल के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस नाम के अफराद कैसे होते हैं या उनका हसूल जिंदगी क्या होता है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। ये नाम उर्दू में चार हरूफ और एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, जबकि इंग्लिश में इस नाम के हरूफ की तादाद 6 है। रियान के उर्दू मानी है खूबसूरत, जन्नत का दरवाजा, जबकि इसकी इंग्लिश मीनिंग है द डोर ऑफ हेवन और प्रीति। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले रंगों में शामिल है सुरख, जंगनुमा और हल्का सबज, जबकि इतवार और मंगल के दिन को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले दिनों में शुमार किया जाता है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पखराज नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है, जबकि तांबा को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले दांतों में शुमार किया जाता है। नंबर 4 को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लें। रियान नाम की तफसील है रियान खान, रियान पारस। इस नाम का ज्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सरफरिस्त है मलेशिया, नंबर 2 पर है यूएई और नंबर 3 पर है पाकिस्तान। इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये लोगों की मुखालफत के बावजूद हालात का मुकाबला करना चाहते हैं और अपनी बात पर हमेशा कायम रहना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका पूरा नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।